व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू योगी ऑन व्हील्स। और मैं योगी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए व्लॉग में। बहुत मजा आने वाला है आप सच में। तो गाइस, पचमढ़ी सिटी से 1 घंटे का समय और 11 किलोमीटर का छोटा सा सफर तय करने के बाद मैं पहुंच चुका था चौरागढ़ महादेव ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये रास्ता ये है, ये हाँ जी, पूरा ट्रैक खाली है एंड एक फैमिली और है मेरे आगे चल रही है, साथ में छोटा बच्चा भी है। तो देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए हॉल्ट लिया उन्होंने, वो रुके हुए, मैं जाके उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। हेलो बेटा। हेलो, कैसे हो आप? अच्छे। हर हर महादेव। वेरी गुड। चलो आजा। थ्री पॉइंट टू किलोमीटर का टोटल ट्रैक है और मेरा ख्याल 1 से 1.5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा मैक्सिमम। तो आई होप आगे के लिए भी मुझे सीढ़ियां ही मिलने वाली हैं, बट अभी तो ढलान है, थोड़ा सा और चलेंगे तो खड़ी सीढ़ियां हैं ऐसा मैंने सुना है। और जो एक्चुअल हाइट है जहाँ पे मुझे जाना है वो 1326 meters, इतनी हाइट पे मुझे पहुँचना है जहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। तो सीढ़ियाँ फिर से ख़त्म हो गई एंड वंस अगेन वही कच्चा ट्रैक। जितना भी मैंने लोगों से पूछा है समझा है, तो इतना ईजी नहीं है बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है सच में। चारों तरफ हरियाली है, जंगल है अब देखिए, एंड धीरे धीरे हम हाइट पर भी पहुँचने वाले हैं। सो है ये पहली पायरी चौरागढ़ मंदिर के लिए जो रास्ता गया है एंड मेन एंट्रेंस है, फर्स्ट एंट्रेंस है ये। यहाँ से फिर सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं हमारी ऑफिशियली। सो हर हर महादेव। सो 250 सीढ़ियाँ अभी चढ़ी है और हालत हो चुकी है ख़राब। पहला स्टॉल आपको दिख जाएगा 250 सीढ़ी करते। भैया क्या क्या मिलता है खाने के लिए? मैगी, भेल और शिकंजी वगैरह भी है, रखते हैं अपने पास जल जीरा शिकंजी ताकि बॉडी की में किसी भी तरीके की कमी ना हो। तो चलते चलते रास्ते में एक छोटा सा बोर्ड दिखा है, सीता नहानी गुफा। चौरागढ़ मंदिर के लिए रास्ता यहाँ से गया है और उनके पीछे की तरफ ये छोटी सी गुफा दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे पत्थर छोटे छोटे माउंट करके रखे हैं, एक ऊपर एक रखे हैं। यहाँ शायद कोई मन्नत होगी, मान्यता होगी, कोई यहाँ है भी नहीं जिससे इन्फॉर्मेशन मिल सके, बट हाँ ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। और ये जस्ट वो फर्स्ट मैगी स्टॉल, फर्स्ट और लास्ट मैगी स्टॉल है, उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा देखने के लिए। सो कंटिन्यू करते हैं सीढ़ियाँ एंड आगे बताते हैं फिर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए मुझे हर इंसान ने जो कि रास्ते में मुझे आते हुए और जाते हुए मिला है, उन्होंने कहा है कि बंदरों से सावधान, पीछे बहुत सारे बंदर हैं। ये एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। रास्ते में बैग वगैरह, चिप्स के पैकेट्स, कुछ भी अगर आपके हाथ में होगा तो वो छीना झपटी करेंगे ही करेंगे। सो बेटर ये है कि सारी चीज़ें बैग में सेफ रखें और बैग को संभाल के रखें। यह है व्यू पॉइंट, फर्स्ट व्यू पॉइंट जो मुझे मिला है महादेव मंदिर की चढ़ाई करते हुए। सो ये व्यू पॉइंट पे रुका हूँ और 2 घूंट पानी के, अपनी वाटर बॉटल कैरी करें, कुछ खाने के लिए चिप्स या बिस्किट ज़रूर कैरी करें क्योंकि ऑन द वे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो 1 घूंट पानी पीता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, राहत की सांस और फिर आगे बढ़ता हूँ। एक और बोर्ड दिखा मुझे, इस पर लिखा हुआ टपका पानी। सो मेरा ख्याल यहाँ से चट्टानों से पानी अगर टपकता रहा होगा किसी टाइम पर और किसी सीज़न में स्पेसिफिक, उसके बाद ये वाला नाम रख दिया गया है। करते मेरा छोटा सा दोस्त बन गया है, इसका नाम है राघव। और इतनी एनर्जी है इस बच्चे के अंदर मैं बता नहीं सकता। बड़े बड़े लोग जो पीछे आ रहे हैं, इसके पेरेंट्स, वो पीछे रह गए। किसी ने सच ही कहा है बच्चों में भगवान बसते हैं और भगवान में एनर्जी की कभी कमी नहीं होती है। और इनके साथ रह रह के मेरे अंदर बहुत एनर्जी फ्लो शुरू हो चुका है क्योंकि जब ये नहीं थक रहा है छोटा सा बच्चा फुल ऑफ एनर्जी, तो
थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो मुझे भी मिल रही है ना राघव। यकीन नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे खड़ा हुआ अभी, एकदम एज पे पहाड़ की, और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा आई एम श्योर, बट जो मेरी आंखें देख रही हैं उसका मैं अभी बयान नहीं कर सकता मैं क्या देख रहा हूँ। सो एक नज़र आप भी देख लीजिए। एक स्टॉल और दिखा है मुझे और 900 सीढ़ियाँ लगभग करी है, उसके बाद ही मेरे को सेकेंड स्टॉल दिखा है। भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं मेरे साथ। भाई अपना नाम? सुरेंद्र पटेल। सुरेंद्र भाई हमको बता रहे हैं यहाँ से 400 सीढ़ियाँ और बची हुई हैं और उसके बाद जो नज़ारे देखने मिलेंगे उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। गलत बोल रहा हूँ भाई? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपके यहाँ पे काउंटर पे क्या क्या चीज़ें खाने के लिए मिल जाती हैं अगर कोई? भेले, नींबू पानी। तो अभी आप क्या खिलाओगे हमें? जो चाहिए सर आप देख लीजिए। कुछ पीने के लिए शिकंजी या नींबू पानी? हाँ नींबू पानी मिल जाएगा। तो नींबू पानी एक गिलास पिलवाइए, फिर दो गिलास करवाइए। तो नींबू पानी पीते हैं, थोड़ी सी ताकत आएगी, रिफ्रेश हो जाएंगे। ब्रेक लिया हुआ है 10 मिनट का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतनी ऊँचाई पर आपको अगर नींबू पानी मिल रहा है तो आपको भाई को दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आप कभी यहाँ आएँ, यहाँ पे हॉल्ट लें और नींबू पानी का स्वाद ज़रूर चखें। फ़िलहाल तो मैं उन्हें शुक्रिया बोलना पसंद करूँगा। थैंक यू सो मच भाई। और फिर चलते चलते मेरी मुलाकात हुई इन तीन दोस्तों से जो कि इंदौर से आए हुए थे। मज़ा आ रहा है भाई? बहुत आनंद। एक चीज़ बोलना भूल गए थे, बताइए। मज़ा आएगा। हाँ ये बहुत जरूरी है, जो लुक है ना उसका जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। अगर व्यू का मजा लेना हो तो बाइनोकुलर जरूर लेके आना, मस्ट है वो। और व्यूज मैंने आपको दिखाए थे पीछे, वो कैसे रहेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी चढ़ाई वापस से, क्योंकि अगर बैठते ही रह गए तो पहुंच नहीं पाएंगे। चलो, और साथ ही साथ मुझे लोहे की खड़ी सीढ़ियाँ दिख रही हैं। तो पहले, आज से कुछ साल पहले, जब तक ये वाली सीढ़ियाँ नहीं बनी थी सीमेंटेड, तो ये लोहे की सीढ़ियाँ यूज़ करते थे सब लोग जाने के लिए। मन में श्रद्धा हो, शक्ति हो, तो हिम्मत अपने आप बनी रहती है। और हर हर महादेव। तो भैया और हम लोगों ने ट्रैक साथ में शुरू करा। भैया कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक? एडवेंचरस जर्नी रियली, सबसे अच्छी एडवेंचरस जर्नी मेरी लाइफ में, दूसरी है okay. भी यही थी। तो मेरा ख्याल आखिरी पड़ाव बचा सीढ़ियों का, और ठीक मेरे सामने जो वो मंदिर दिख रहा है वही है महादेव जी का मंदिर। 70 रुपये का पूरा पैक बना के देंगे भैया। और ये इकलौता है काउंटर, जो पहला और आखिरी काउंटर है ये, जहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो चौरागढ़ मंदिर पे पहुंच चुका हूँ अभी, और सबसे पहले तो यहाँ की बाउंड्री वॉल्स देखिए आप, चारों तरफ त्रिशूल ही त्रिशूल है। और ऊपर भी मैंने देखा है, सुना है कि काफ़ी सारे त्रिशूल यहाँ पे लोग चढ़ाते हैं, मान्यता होती है मन्नत के हिसाब से। और ये सारे भी मन्नत वाले ही त्रिशूल हैं जो कि लोगों ने भेंट करे हुए हैं यहाँ पे। तो फाइनली 1326 मीटर हाइट पे मैं पहुंच चुका हूं और चौड़ेश्वर महादेव मंदिर के सामने बिल्कुल खड़ा हुआ हूं। तो मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी मन को शांति मिली है। वाकई में बहुत बहुत सुंदर मूर्त है शिव भगवान की। और उसके बाद प्रीतेश जी से मुलाकात करूंगा। प्रीतेश भाई मुझे दोबारा से मिले हैं और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, जो स्टोरी क्या है, मान्यता क्या है, यहाँ पे त्रिशूल क्यों यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, वो सारी डिटेल है। तो अब प्रीतेश भाई डिटेल आगे की बताएंगे आपको। पर सर, गोरा बाबा करके एक बाबा यहाँ रहते थे और उन्हीं के एक भाई यहाँ रहते थे, दोनों यहाँ पे साधना करते थे। तो उस साधना के कारण ये था कि गोरा बाबा ने इतनी कड़ी साधना करी कि उन्होंने शिव भगवान को प्रकट कर लिया, ऐसा यहाँ पे मान्यता है। ओके। और इसके बाद उन्होंने वरदान में त्रिशूल मांगा और वो त्रिशूल शिव भगवान ने उनको प्रोवाइड किया। जब से यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भी बंदा यहाँ पे त्रिशूल चढ़ाएगा
इस प्लेस पे त्रिशूल चढ़ाता है उसकी मान्यता पूरी होती है okay. इसलिए यहाँ शिवरात्रि पे बहुत मेला भी भराता है, बहुत लोग बहुत भाव से यहाँ पे त्रिशूल भी चढ़ाते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये जगह इसके लिए, इस चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। तो आप भी कभी आए, छोटा सा त्रिशूल लाएं और यहाँ चढ़ाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, त्रिशूल, त्रिशूल का साइज मैटर नहीं करता है, आपकी श्रद्धा मैटर करता है। बिल्कुल ठीक बात बोली प्रीतेश भाई ने। और इनसे यहाँ बैठने का आनंद अलग ही है, परम आनंद। बिल्कुल ठीक बात है। बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा होगा कि कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। इसको देखने के बाद आपको कुछ सोचना और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस कल ऐसा रहेगा, इसको बस बैठो और देखो, और कुछ करना ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो कुछ पल मैं भी यहाँ पे बैठता हूँ और मन की शांति के लिए कोशिश करता हूँ कि मन में थोड़ी सी शांति जल्दी आ जाए। तो महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब मेरा वापस जाने का वक्त हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।